हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू धमाका स्टडी पॉइंट। दोस्तों स्वागत है धमाका स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के कुछ फुल फॉर्म जो हर एक एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों सबसे पहले तो हम इसे लिख चुके हैं पहले ही, क्योंकि आपका टाइम बचे और आप उस टाइमिंग में कुछ और कुछ कर सकें। तो दोस्तों शुरू करते हैं पहले रैम से। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम, फिर आते हैं रोम पे। तो रोम को क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। फिर आते हैं www, जो साइट के पहले से लिखा जाता है वर्ल्ड वाइड वेब। अब आते हैं ALU। ALU का फुल फॉर्म क्या होता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। फिर आते हैं CPU। CPU की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फिर आते हैं CAD कैड, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। फिर आते हैं FAR अवे जीरोक्स। फिर आते हैं LLL, किसका क्या होता है? लो लेवल लैंग्वेज। वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट। फिर OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। फिर आते हैं LAN लोकल एरिया नेटवर्क। फिर आते हैं HTML। ये HTML बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फिर आते हैं DTS। DTS का फुल फॉर्म क्या होता है? डेस्क टॉप सिस्टम, डेस्कटॉप सिस्टम। फिर आते हैं क्या होता है DTS का? डेस्कटॉप सिस्टम। फिर आते हैं HLL हाई लेवल लैंग्वेज। फिर आते हैं WAN, WAN वाइड एरिया नेटवर्क। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ अपने दिल की जो सुनी इसकी नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे और फिर ज्यादा लंबी हो जाए निकल पड़े। दोस्तों ये हर एक एग्जाम में पूछे जाने वाले पड़े कुछ मुश्किलें तो आएंगी, फुल फॉर्म थे, मुसीबतें डराएंगी। वीडियो को ज्यादा जल्द पे तुम अड़े रहो, जज्बे से जुड़े रहो।